रेवाड़ी शहर के बीचों बीच बसी किंगफिशर रेजिडेंसी सोसाइटी में पिछले 24 घंटे से पीने का पानी नहीं मिल रहा है, जिससे सोसाइटी में रहने वाले रोजमर्रा के यूज में आने वाले पानी को तरस रहे हैं। वहीं सोसाइटी के लोग पानी की वजह से बेहद परेशान हैं। वहीं इस समस्या को लेकर शनिवार को सोसाइटी के लोगों ने एडीएम को व्हाट्सएप पर ज्ञापन देकर पानी की सप्लाई दुरुस्त करवाने की मांग की है। सोसाइटी के लोगों के द्वारा दिए गए ज्ञापन में बताया गया है कि किंगफिशर सोसाइटी में रखरखाव सहित अन्य सुविधाओं की जिम्मेदारी आरआर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की है। किंगफिशर सोसाइटी के लोगों के द्वारा अपना कॉमन एरिया मेंटेनेंस बिल समय पर भर दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी आरआर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किंगफिशर सोसाइटी की सुविधाओं सहित रखरखाव पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। पिछले 24 घंटे से सोसाइटी में पानी की आपूर्ति पूरी तरह से बंद है। इसको लेकर सोसाइटी वासियों ने और आरडब्ल्यूए ने आरआर इंफ्रास्ट्रक्चर को फोन सहित ईमेल व्हाट्सएप के माध्यम से कई बार सूचना दी है, लेकिन आरआर इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिल रही। सोसाइटी के लोगों ने आरआर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में सोसाइटी में पानी सप्लाई को जल्द से दुरुस्त कराने की मांग की है। साथ ही सोसाइटी वासियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्दी ही पानी की सप्लाई चालू नहीं की गई तो सोसाइटी के सभी लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, मतलब कल 2 बजे से बिल्कुल पानी बंद है। बच्चे स्कूल से आए, बोले नल खोला, उन्होंने बोला मम्मा पानी नहीं है। हमने नीचे जाके देखा तो देखा तो वहाँ पे भी पानी नहीं था कहीं भी। सुबह से बच्चे आए गए, सब चीज के लिए प्रॉब्लम आ रही है, खाना बनाने में, कपड़े धोने में, बर्तन मांजने में, सारी चीजों में। कब से समस्या है? कल से आ रही है सर, कल 2 बजे से। तो अभी इसके बारे में किसी को अवगत कराया है आपने? अवगत तो सबको बोल दिया है वैसे तो हमने, लेकिन कोई बिल्डर को भी बोल दिया है, लेकिन कोई मतलब एक्शन नहीं ले रहा है। मतलब मेरा नाम प्रमोद श्रीवास्तव है। ये सोसाइटी जिसमें आप खड़े हैं ये किंगफिशर रेजिडेंसी है और यहाँ आरडब्ल्यूएम में मैं वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत हूँ। क्या समस्या है सर आपकी? समस्या आपके सामने है जो आपने हमने दिखाई है, ये कि हम कल 24 घंटे से ऊपर का समय हो गया है, हम पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। 87 फैमिली जिसके पास पानी की सुविधा नहीं है और सोसाइटी में इसके अलावा कोई वैकल्पिक दूसरी व्यवस्था भी नहीं है। और बिल्डर को हम कल दिन भर से लेकर अभी तक कम से कम ईमेल, व्हाट्सएप और टेलीफोन के जरिए कोई 50 बार कम्युनिकेट कर चुके हैं, ना तो उसने हमें कोई पैसे डाले और हमारे नंबर भी ब्लॉक करके बैठ गया। ये राजेश शर्मा जो हमारी सोसाइटी को देखता है, वो एक संजय सूरा नाम का व्यक्ति है, उसे वो यहाँ किस हद से भेजते हैं, किस पोस्ट पर है हमें नहीं मालूम। यहाँ आता है, ये बोलता है कि मैं भाउचर बुलाऊंगा, दादागिरी करूंगा, लेकिन ये हमारी मूलभूत सुविधाओं को दूर करने के बजाय वो हमें उल्टा धमकाता है और परेशान करता है और हम लोग हर वक्त टेंशन के माहौल में रहते हैं कब बिल्डर हमारे साथ क्या करेगा। अभी आपने किसको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है? इसके बारे में आज हमने हमारे आरडब्ल्यूएन से निर्णय लेके अध्यक्ष महोदय राजेश त्रिवेदी जी, श्री शुक्ला जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी है, हमने मीटिंग करके आपस में डिसीजन लिया कि हम एडीएम साहब को एक ज्ञापन देंगे, जिसको हमने ज्ञापन को तैयार किया है। प्रदीप ज्ञापन दीजिए, इसको हम आज जा रहे हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से मैंने मीना साहब से बात भी की है और ये ज्ञापन उनको हमने व्हाट्सएप के जरिए से दे भी दिया है और बिल्डर के सारे नंबर हमने उनको शेयर किए हैं और हमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे और बिल्डर की हठधर्मिता को खत्म करेंगे।